बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर वन। और चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। और इस चैप्टर में हम इस लेक्चर से एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स, यानी कि हमें इक्वेशंस गिवन हैं और हमने उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस या गिवन इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, इसमें जो है चार पार्ट्स हमें गिवन है। चार पार्ट्स मतलब कि हर एक पार्ट में हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं इसमें से दो पार्ट्स में इसमें सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बाकी दो पार्ट्स आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। पहला पार्ट जो है उसमें हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमें कहा गया है ड्रॉ दी ग्राफ, ठीक है। अब इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक तो एक्स वाई प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस आपने 1.4 में भी देखा, हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो एक्स वाई एक्सिस हमारे पास, यानी कि एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस हम उसे कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए जो कि हम उसमें पॉइंट जो है प्लॉट करें और उनको फिर आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, स्मूथली, तो हमारे पास एक ग्राफ आता है। तो अभी हमारे पास क्या है गिवन है, सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं एक, यानी कि मैं ड्रॉ करूँगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है, इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ भी जो है वो बेहतर बने, ठीक है। अच्छा, ये होगी y एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ जिसको हम x एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं और ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस बन गया हमारे पास। अच्छा, ये होगी x एक्सिस और ये होगी y एक्सिस। और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे आए तो ये नेगेटिव x एक्सिस है और डाउनवर्ड आए तो नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगा। अब हमने जो है हमें एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन तो आ चुका है, लेकिन अब हमारे पास पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स कहाँ से आएंगे? जो हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ से हम पॉइंट्स जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स फाइंड आउट करके हम यहाँ पर इनको प्लॉट कर देंगे। चलें, अब हम इसमें से पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पॉइंट क्या होता है, यानी कि कोई एक ऑर्डर्ड पेयर में आप x और y के कोऑर्डिनेट्स लिख दें तो वो एक पॉइंट बन जाता है। सपोज मैं कहता हूँ ये x है और ये y है, ठीक है। इस तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैंने x और y कोऑर्डिनेट्स लिख दिए तो ये एक पॉइंट बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर x और y की कोई ना कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये तो मैंने जनरल एक पॉइंट बताया ना आपको, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करेंगे? इस तरह से हम कर लेते हैं कि चलें हम y इज इक्वल टू, चलें इसको इक्वेशन को पहले जो है ना थोड़ा बहुत हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे? y के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव था, राइट साइड पे ले गए तो ये नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि y के लिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो y के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और साथ में हम प्लस माइनस भी लगा लेंगे। और ये हमारे पास, यानी कि y के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास पॉइंट्स नहीं आए। पॉइंट्स किस तरह से आएंगे? अब ये या तो आप इसको x के लिए सॉल्व कर लेते या फिर y के लिए सॉल्व कर लेते, ठीक है, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम एक टेबल चलें, हम पहले बना लेते हैं कि मैं ये कहता हूँ ये x और ये है y, ठीक है। x के सामने x की वैल्यूज़ और y के सामने y की वैल्यूज़, ठीक है। इस तरह से मैंने एक ये टेबल बना लिया। अब x की वैल्यूज़ हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यूज़ मैं कहता हूँ जी के x जब 0 है तो y की वैल्यू फाइंड कर लें, वो फाइंड हम कर लेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे? हमारे पास इक्वेशन गिवन है,
ये इक्वेशन जो हमारे पास आ चुकी है, जिसमें यानी कि मैंने जो हमारे हमें गिवन इक्वेशन थी उससे मैंने ये ड्राइव की, यानी कि वाई के लिए फाइंड आउट कर लिया हमने। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने कहा 0 है। तो हम देखते हैं कि वाई की वैल्यू क्या आती है। चलें फॉर एक्स इक्वल टू 0 हम चेक कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस 0, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस माइनस 9 का स्क्वेयर रूट बन जाएगा, ठीक है। और 9 का स्क्वेयर रूट आपको पता है 3 होता है, तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जब एक्स 0 है तो हमारे पास वाई की क्या वैल्यू है, जब हमारे पास एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं प्लस माइनस 3। इसी तरह से हम और भी पॉइंट्स जो हैं वो यानी कि ले लेते हैं, वैल्यूज़ कुछ ले लेते हैं एक्स की, और हम साथ साथ फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। ये था एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पर पॉजिटिव 2 ले देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव 2, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो हमारे पास वाई की क्या वैल्यू होगी, चलें चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं एक्स की जगह, इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस 2 का स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है तो टू की एक्स की वैल्यू हमने 2 ली है, तो 2 का स्क्वेयर ये हो जाएगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वेयर रूट ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5, ठीक है। वाई इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5, ठीक है। यानी कि जब एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5। यहाँ पर हम लिख देते हैं इस टेबल में, मैं अभी एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। एक पॉइंट क्या बन गया, 0, प्लस माइनस 3, और दूसरा पॉइंट क्या बन चुका है, 2, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5। इसी तरह से, अच्छा, अब मैंने पॉजिटिव एक वैल्यू ली है तो हम एक नेगेटिव वैल्यू भी यही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है ना एक ऑर्डर में हमारे पास बन जाए पॉइंट्स, तो हम उसको ड्रॉ करना और स्केच करना जो है ग्राफ को आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो -2 पे अब हम देख लेते हैं कि जब एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एट एक्स इज इक्वल टू -2, चलें पुट करते हैं। इक्वेशन वही, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस जो है एक्स का स्क्वेयर है, एक्स यहाँ पर -2 है और इसका स्क्वेयर है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 आ चुका है -2, जब यानी कि एक्स जब -2 है तब वाई की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5। इसी तरह से आप 3 पुट कर लें, ठीक है, एक्स की जगह 3 पुट कर लें, वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आता है देख लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस 9 इज 0, यानी कि वाई जो है वो 0 हो जाता है जब एक्स इज इक्वल टू 3 हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब एक्स 3 है तो वाई 0 हो गया। इसी तरह से -3 भी आप पुट करें एक्स की जगह, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास जो है एक टेबल बन चुका है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ का, यानी कि जब एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू क्या है, -2 है तो वाई की वैल्यू क्या है, ये हमने एक टेबल बना लिया। अब हम इसमें से जो है इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करेंगे अपने एक्स वाई एक्सिस में या एक्स वाई प्लेन में, और हम उसको उससे अपना एक यानी कि ग्राफ स्केच कर लेंगे या ड्रॉ कर लेंगे। चलें हम हमने देखा कि 0 पे हमारे प्लस माइनस 3 वाई की वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कि हम इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखूं मैं तो ये क्या बनेगा, 0, प्लस माइनस 3, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अब प्लस माइनस 3 पॉजिटिव 3 भी है, नेगेटिव 3 भी है, एट ए टाइम, इस तरह से हम इसको किस तरह से देखेंगे कि 0, प्लस 3 और दूसरा पॉइंट 0, माइनस 3, एक्चुअली ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, 0, पॉजिटिव 3, 0, नेगेटिव 3। तो ये दो पॉइंट्स पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, प्लॉट करता हूँ, 0 प्लस
पॉजिटिव 3। उससे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह से वर्टिकली अपवर्ड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह से डाउनवर्ड, -1, -2, -3, -4 एंड -5। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है, जब एक्स जो है वो 0 है और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 3 है, ठीक है, ये पॉइंट मैं अभी प्लॉट कर रहा हूँ। तो 0, एक्स यहाँ पर 0 है और वाई यहाँ पर पॉजिटिव 3 है, मतलब कि हमारे पास पॉइंट जो बनता है वो ये बन रहा है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ, प्लॉट कर लेता हूँ बल्कि, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है 0,3, ठीक है, पॉजिटिव 3। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हमने देखा था, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया था, 0,-3, यानी कि एक्स जो है एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -3 है। चलें वो भी प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स पे हम प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है, ±√5। अब √5 क्या किसके इक्वल होता है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वेयर रूट लें तो ये आ रहा है 2.236, ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ रही है, यानी कि 2 और 3 के दरमियान में कोई वैल्यू आ रही है। तो हम इसको जो है, यानी कि जब x क्या है, x 2 है और y की वैल्यू पॉजिटिव √5 भी है, नेगेटिव √5 भी है, तो पॉइंट मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं 2,√5 और 2,-√5, ये दो पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और हमने देखा कि √5 जो है 2 और 3 के दरमियान में आता है कहीं, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है देख लेते हैं कहाँ पर हम प्लॉट करेंगे इसको, कि एक्स की वैल्यू 2 हो और वाई की वैल्यू 2 और 3 के दरमियान में हो, मतलब कि यहाँ पर कहीं भी होगी वाई की वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको जो है ये पॉइंट तकरीबन तकरीबन यहाँ पे आके बनेगा। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी आएगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2,-√5, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट। इसी तरह से तकरीबन ये यहाँ पर आकर कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमने जो है ये दो पॉइंट्स भी हमने ड्रॉ कर लिए, प्लॉट कर लिए। अब हम बाकी पॉइंट्स की तरफ आते हैं, कि जब -2 हो तब भी यही वाई की वैल्यूज़ हैं, मतलब कि ये -2 यहाँ पर है एक्स, और +√5 यहाँ पर आ जाएगा और -√5 यहाँ पर आ जाएगा, -√5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ कि ये हमने पॉइंट कौन सा ड्रॉ किया है, 2,√5, ठीक है, और ये है 2,-√5। इसी तरह से ये -2,√5 और ये पॉइंट कौन सा है, -2,-√5, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास अभी तक हमने ये ड्रॉ किए हैं। उसके बाद जब x 3 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है, और जब x-3 है तब भी y की वैल्यू 0 है, मतलब कि हमारे पास जो पॉइंट्स बनते हैं वो क्या बन रहे हैं, 3,0 और -3,0, ठीक है। तो हम इन दोनों को भी यहाँ पर प्लॉट करेंगे, कि जब x जो है वो 3 है, मतलब कि यहाँ पर आकर x 3 है और y 0 है, ठीक है, ये एक पॉइंट बनता है 3,0, 3,0। इसी तरह से जब x जो है -3 है तो y 0 है, ये पॉइंट बनता है हमारे पास। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से इनको आपस में मिला देते हैं पॉइंट्स को स्मूथली, जिस तरह से भी आपके पास ये पॉइंट्स सब के सब जो जो हमने ड्रॉ किए हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दें इस तरह से तकरीबन, ठीक है। ये अभी मेरे पास जो है एक्स वाई प्लेन के बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अगर आप ये ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक सर्कल आएगा, ठीक है, रिजल्ट में एक सर्कल आएगा। तो इस तरह से, यानी कि ग्राफ का तरीका मेथड हमने यहाँ पर देखना था, मकसद हमारा था, तो एग्जैक्टली ये सर्कल तो हमारे पास नहीं बना, ठीक है, थोड़ा
सा शेप जो है इररेगुलर सी बन रही है। तो ऐसा है कि आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें, बिल्कुल यही मेथड अप्लाई करें, बिल्कुल यही वैल्यूज़ अगर भी आप यूज़ करें ठीक है, उनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक एक स्क्वेयर आपके पास, स्क्वेयर मैं कह रहा हूँ, सर्कल आपके पास सामने आएगा ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, वो भी आप इसी तरह से पॉइंट्स आप उसमें से फाइंड आउट करें पहले, और फिर उसमें से पॉइंट्स फाउंड आउट करने के बाद उसको प्लॉट करके आपस में ज्वाइन कर दें तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने जो है ग्राफ्स ही ड्रॉ करने हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, ग्राफ द कर्व्स दैट हैज पैरामेट्रिक इक्वेशंस, दैट हैज पैरामेट्रिक इक्वेशंस ठीक है। हमें यानी कि इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के जो है वो 3 पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है। पहले क्या, कौन सी इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है ठीक है, इसमें आपके पास जिस तरह से ये एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास एक पैरामीटर की इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर एक पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा। तो इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू टी और वाई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें से हमें टी के बारे में बताया है कि आपने जो है टी की लिमिट बता दी गई है कि 3 से लेस या इक्वल होना चाहिए टी की वैल्यू, और ग्रेटर होनी चाहिए -3 से, यानी कि टी की वैल्यू की रेंज आपको बता दी है कि आपने -3 से 3 रखनी है, और आपके पास दो पैरामीटर की इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू टी एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब इसका आपने ग्राफ जो है ड्रॉ करना, ग्राफ द कर्व्स, इसमें से जो कर्व्स निकलेंगी वो आपने ड्रॉ करने हैं। वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसे मेथड बिल्कुल वही है ठीक है, इसमें से थोड़ा सा तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना होगा ठीक है, मतलब कि आप टी को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, क्योंकि पॉइंट में तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होती है ना। तो चलें हम इसको एलिमिनेट किस तरह से करते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 अगर कह दूँ तो मैं कहूँगा कि टी की वैल्यू अगर एक्स है ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर दें, मतलब कि टी इज इक्वल टू एक्स है ना, तो यहां पर टी की जगह एक्स पुट कर दें, पुट टी इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें से जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं ठीक है, तो इसके अलावा कोई और पैरामीटर या कोई और वेरिएबल नहीं आ रहा। तो अब हम यहां से उसी तरह से टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का ठीक है, और एक्स की वैल्यूज़ हम खुद से एज्यूम करते जाएंगे और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी ठीक है, इस इक्वेशन से तो हम उसको प्लॉट कर लेंगे। चले मैं कोई वैल्यूज़ ले लेता हूँ, 0 अगर हम रखते हैं ठीक है, एक्स एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। आप पुट करके देख लें, एक्स इज इक्वल टू 0 ठीक है, वाई इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ही आएगा ठीक है। तो इसी तरह से आप जब जो है एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तब आपके पास वाई की वैल्यू 1 आएगी ठीक है, 1 आएगी। उसके अलावा जब आप 2 रखेंगे तो 4 आएगी, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, यानी कि इसका स्क्वेयर, जो जो वैल्यूज आप एक्स की लेंगे उसका स्क्वेयर करके आप वाई की वैल्यू में पुट करते जाएं ठीक है। और यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो आपके पास y की वैल्यू +1 आएगी, क्योंकि उसका स्क्वेयर आ रहा है ठीक है। अगर -2 लेते हैं तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, +4 आएगा। यानी कि इस तरह से आप एक टेबल बना लें, और टेबल बनाने के बाद आप इसको जो है एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन में इसको ड्रॉ भी करके देख लेते हैं ठीक है। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ लाइन्स को, ये वर्टिकल लाइन होगी और उसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। अब हमने यहाँ पर जो है अपना ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसकी पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 ठीक है। इसी तरह से
वन टू थ्री फोर वाई एक्सिस पे, और नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री एंड नेगेटिव फोर, नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री एंड नेगेटिव फोर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट्स हमने देखने हैं और हमने ड्रॉ कर देना है अपने पॉइंट्स, प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास जीरो पे जीरो है, मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव वन पे पॉजिटिव वन है, ये पॉजिटिव वन एक्स है और यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव वन ही है। ठीक है, उसके अलावा पॉजिटिव वन पे पॉजिटिव वन हो गया और टू पे फोर है, टू पे फोर मतलब कि ये एक्स जब टू होगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, फोर यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसी तरह से आप और पॉइंट्स देखें, माइनस वन पे पॉजिटिव वन है, माइनस टू पे पॉजिटिव फोर है, माइनस वन यहाँ पर एक्स और इस पे पॉजिटिव वन आपके पास ये वैल्यू आ रही है, और माइनस टू पे पॉजिटिव फोर वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ पर आ रही है। तो आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे, चलें ज्वाइन भी करते हैं इन वैल्यूज़ को, तो देखते हैं हमारे पास क्या है, ग्राफ कौन सी शेप आती है। इस तरह से स्मूथली आप इसको ज्वाइन करें, तो ये एक हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, ये आगे भी जाएगी। ठीक है, इसको अगर आप इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सी वैल्यूज़ हमने बीच में से स्किप की हैं, तो इस तरह से ये एक पैराबोला की आपके पास यानी कि एक ग्राफ बन रहा है। तो मतलब कि वाई इज इक्वल एक्स स्क्वेयर क्या है, एक पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें पहले क्या था कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन थी, हमने उसको यानी कि उसकी कर्व्स जो है वो ड्रॉ करने थे, हमने पहले उसको उसमें से एलिमिनेट किया टी को और एक इक्वेशन बनाई वाई इज इक्वल एक्स स्क्वेयर, उसमें हमने एक्स की वैल्यूज पुट की और वाई की वैल्यू उसमें से फाइंड आउट करते गए, हमारे पॉइंट्स आ गए जिस तरह से 0 0 है, 1 1 2 4 -1, ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ग्राफ आ गया। तो ये था मेथड इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर टू के तीन पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद से जो है प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करें। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, वो आप खुद से कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर टू भी ख़त्म करते हैं और हमारे लेक्चर का टाइम भी पूरा हो चुका है, तो हम यहाँ पर लेक्चर को भी एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करेंगे।